बनाएंगे स्टीम्ड सेव टमाटर की सब्जी। सेव को हम फ्राई नहीं करेंगे, स्टीम करेंगे। उसके लिए हम 1.5 कप बेसन ले लेंगे, 1 टीस्पून अदरक हरी मिर्च पीसी हुई डालेंगे, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून जीरा, नमक स्वादानुसार, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आपके ऊपर है, आपको कितना डालना है। 1/4 चम्मच हींग। अब इन सबको डालकर हम इसे दही से आटा गूंदेंगे। इसमें धीरे धीरे करके दही डालेंगे और आटा गूंद लेंगे, नरम आटा गूंदेंगे। दही एक बार में न डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। ये कुछ इस तरह का हो चुका है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच घी का डालेंगे और इसे चिकना कर लेंगे। हमारा आटा तैयार है। अब हम इस तरह का भुजिया निकालने का संचा ले लेंगे और इसमें इस आटे को डालेंगे। इस तरह इस आटे को इसमें डालेंगे। अगर आपके पास ये संचा ना हो तो आप इसे इस तरह के झंझरे में भी इस तरह रख के इसे दबाकर निकाल सकते हैं। एक तरफ हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम अपनी भुजिया को निकालेंगे। इस तरह दबाते हुए इसमें भुजिया निकालेंगे। फ्लेम को हाई में ही रखें। इस तरह सारे भुजिया को निकाल लें और इसे इसमें भपने दें। फ्लेम को मीडियम में कर दें। और इसे 5 से 7 मिनट के लिए इसमें उबलने दें। भुजिया उबल रहा है, इतनी देर हम ग्रेवी बना लेते हैं। एक तरफ कढ़ाई चढ़ाएं, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून तेल डालें। तेल को गर्म होने दें। तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें 1/2 छोटा चम्मच काला सरसों और 1/2 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। अब इसमें 1/4 चम्मच हींग डालेंगे, 1 छोटा चम्मच अदरक हरी मिर्च पीसी हुई डालेंगे। इसे डालकर थोड़ा सेकेंगे। दो प्याज बारीक कटे हुए डालकर सेकेंगे। प्याज हल्का मुलायम होने तक इसे सेक लेंगे। गट्टा हो चुका है। अब गैस को बंद करेंगे।
चार हो चुका है। अब इसमें एक पिसा हुआ प्याज डालेंगे। और इसे भी अच्छी तरह से सेक लेंगे। अब प्याज हो चुका है। अब इसमें तीन से चार टमाटर पीसे हुए डालेंगे और इसे तेल छोड़ने तक सेक लेंगे। टमाटर और प्याज सिक चुका है। अब इसमें एक छोटा चम्मच धनिया, आधा छोटा चम्मच हल्दी, एक चौथाई चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वादानुसार डालें। नमक खाली ग्रेवी के हिसाब से डालना है क्योंकि भुजिया में हमने डाला हुआ है। इन सबको डालकर थोड़ा सेक लें। मसाले को थोड़ा सेक लें। मसाला सिक चुका है। अब हम इस भुजिया को पानी सहित इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला के उबलने देंगे। इसमें एक कप पानी और डालेंगे और अच्छी तरह से उबलने देंगे। सब्जी हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा धनिया पत्ता डालेंगे और गैस को बंद कर देंगे। सेव भुजिया की सब्जी तैयार है। इसे गरम गरम सर्व करें। ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और ये फ्राई की हुई नहीं है, इसलिए ये और अच्छा है।